में बीबी पाक दामना के दरबार, ये बहुत ही माशाल्लाह मुकद्दस दरबार है। दरबार से मैं हो आई हूँ, तो अब हम जा रहे हैं कुछ खाने के लिए। हमें लग रही थी भूख, क्योंकि वहां से हमें न्याज के चावल नहीं मिले हैं। वहाँ के चावल बहुत मजे के होते हैं न्याज के, लेकिन हमें मिले नहीं है क्योंकि बहुत ज्यादा रश था। बीबी पाक के दरबार पे बहुत ज्यादा रश था, तो हम तो सलाम करने के लिए अकीदत के साथ गए थे, तो अल्लाह ताला हमारा उनको सलाम करना कबूल करे और हमारे गुनाह कबीरा और सगीरा भी माफ़ करे। तो एक ईमान होता है कि हमारे जो अहले बैत हैं मौला अली अलैहिस्सलाम, उनकी ये बेटी हैं, तो बस हम तो इस अकीदत के साथ गए थे। तो चले जी, अब कुछ खाते हैं। बहुत अच्छा लगा हमें सलाम करके बीबी पाक के दरबार पे, बड़ा सुकून था। तो चलते हैं जी, कुछ खाते हैं। तो है ना, थोड़ी बहुत सैर भी करनी चाहिए और अपने लिए भी एक आध दिन निकालना चाहिए, अपने लिए टाइम निकालना चाहिए, ज़िंदगी को थोड़ा सा इंजॉय भी करना चाहिए। बहुत ज़्यादा टॉक्सिक परेशानियाँ होती हैं, लेकिन कभी कभी अपने लिए भी टाइम होना चाहिए इंसान के पास। मास्टर बिरयानी पे हम खाने लगे हैं, मास्टर बिरयानी। जिस जिसको पसंद है वो कमेंट में बताएं। ये देखें जी, वैसे बिरयानी तो बहुत ज़्यादा यम्मी है, मज़ेदार है। ये देखें माशाल्लाह। जी मसाले सारे मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं, अदरक लहसुन टमाटर, एक दरमियानी साइज की प्याज इसमें डालते हैं। अब हरी मिर्च काट के, चले जी इसमें आलू बैंगन डालते हैं। ये आलू जो है वो मेरी सब्जी बेटी ने बनाई है, तो आलू उसने कहा था कि मम्मा आप खुद बना लें, मुझे मेरे से सही नहीं काटे जाएंगे। आपको साइज चाहिए आप उस साइज के खुद काट लें। चलें जी, आलू डाल दिए मैंने ढककर, हम 5 से 8 मिनट पकाएंगे, उसी पानी में ये गल जाएंगे। बेटी ने लजानिया बनाने की कोशिश की है, तो देखते हैं ये रेडी होता है तो फिर ही पता चलेगा कैसा बना है। जी तो मैं जा रही थी पार्क में वॉक करने के लिए, तो सैर हमने कर ली। आज संडे का दिन, बहुत ही मज़ा आया, खाना शाना हमने खा के। अब मैं पार्क में आई थी वॉक करने के लिए। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।